चैलेंजिंग सीरीज के एक नए प्रॉब्लम के साथ आज फिर हम आपके सामने हैं और आज का प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। गौर से देखिए, हमेशा की तरह पहले आप इसका सलूशन नहीं देखेंगे, पहले इसको आप ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूं, उसके बाद इसका सलूशन बता रहा हूं। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब इसका सलूशन मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। ये जो टर्म लिखा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, गौर से देखिए। वन अपॉन लॉग बेस ए बी बी माइनस वन अपॉन लॉग बेस ए बी ए इज इक्वल टू। अब यहां पे हम लॉग की एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी को पहले आपको रिमाइंड कर दें। लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग बेस एक्स ए। ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे एक्स और ए आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो वही काम इधर करने वाले हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल करने वाले। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस बी ए बी, यहां पे लॉग बेस ए ए बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लॉग का एक नियम होता है लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, उस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो लॉग बेस बी ए प्लस लॉग बेस बी बी माइनस लॉग बेस ए ए प्लस लॉग बेस ए बी, ये हमारा रिजल्ट आया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ ए टू बेस ए इज इक्वल टू वन, यानी ए बेस पे ए का लॉग हमेशा वन होता है, बी बेस पे बी का लॉग भी वन आएगा, टेन बेस पे टेन का लॉग भी वन आएगा। अब इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस बी ए प्लस वन माइनस लॉग ए बी। अब यहां पे देखिए गौर से, वन और माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। अब इस चीज को लिखा जा सकता है, ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाएं तो लॉग बेस ए बी माइनस वन अपॉन लॉग बेस बी ए, ये चीज आ जाएगी इसकी वैल्यू, इस चीज की वैल्यू। तो इस चीज को जब सिंप्लीफाई किया गया तो इतना मिल गया। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस चीज की वैल्यू को इतना लिख सकते हैं। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, गौर से देखिए। तो इतना पाया गया। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है जो छोटे क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, मैं पहले उसको रिमाइंड कर दूं। फॉर्मूला यह है कि a माइनस बी को लिख सकते हैं रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। ये फॉर्मूला है जो हम छोटे क्लासेस में जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको यही मिलेगा। तो उसी चीज का इस्तेमाल करके जो ये चीज आया है, ये चीज, इस चीज को ए मान लें, इस चीज को बी मान लें, टोटल चीज, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर वन बाई लॉग बेस ए बी प्लस वन बाई लॉग बेस बी ए होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लॉग ए बी इंटू लॉग बी ए, ये चीज हो जाएगी। इस फॉर्मूले का उपयोग करके इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है। अब पिछले पेज पे आइए, इस चीज की वैल्यू दी गई है, हम आपको दिखा दें। इस चीज की वैल्यू दी गई है रूट ऑफ 1229। तो अब चलिए इसको वैल्यू पुट करते हैं वहां पे, तो हमें क्या मिलेगा, गौर से देखें। रूट ऑफ 1229 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 1229 माइनस फोर। यहां पे लिख सकते हैं लॉग बेस ए बी और यहां पे रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो वन अपॉन लॉग बेस ए बी हो जाएगा। अब इसको हम कट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा।
कुल मिला के इसकी वैल्यू आएगी 1225। अब इसको लिखा जा सकता है 35 × 35, और जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35। तो बहुत ही आसान सवाल था, कोई खास बात नहीं थी, और ये छोटी सी प्रॉपर्टी आपको छोटे क्लासेस से पता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरीके की और प्रॉब्लम आपको चाहिए तो हमारे चैनल को थम्सअप करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब हम मिलते हैं नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में।